जमहूरियत का तकाजा तो ये है कि सर काटने के बजाय सर के अंदर झांको कि इसमें क्या है, बहस करो और फिर सर गिन लो, और यही जमहूरियत की बुनियाद है। लेकिन वो लोग जो ये कहें कि जो हम में से नहीं उसका सर काट दो, वो जमहूरी लोग नहीं हो सकते। इस पर बहस करने के बजाय कि इस्लाम में डिक्टेटरशिप है या जमहूरियत, हमें इस अमर पर बहस करना चाहिए कि इस्लाम में फर्द और माशरे का क्या रिश्ता है। माशरा अपने हालात के मुताबिक कोई ना कोई तर्ज और सूरत इख्तियार कर ही लेता है। ये चीज मिजाज और नौयत के एतबार से सेक्युलर होती है। ये माशरे की जरूरत है और माशरा अपनी जरूरत और जर्फ के मुताबिक इस जरूरत को पूरा कर लेता है। हमें दीन के हवाले से अदल और इंसाफ जैसी मुस्तकिल कदरों का जिक्र करना चाहिए। तर्ज हाय हुकूमत तो पैदावार के रिश्तों की तरह तब्दील होते ही रहते हैं। कभी बादशाहत वक्त की कामयाब तरीन तर्ज हुकूमत थी। हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने बादशाहत के तहफ्फुज़ में फतवे देते हुए कहा कि बादशाह अल्लाह का साया है और इस निज़ाम में अवाम को सुकून मिलता है। गौर फरमाइए, आज कोई बादशाहत का जिक्र करता है तो बेवकूफ़ या मक्कार कहलाता है। दीन के सामने मसला आमरियत या जमहूरियत का नहीं, बल्कि बुरी जमहूरियत या अच्छी जमहूरियत का है, माशरे के पस्त या आला माशी और इखलाकी सतह का है। जमहूरियत इस अहद का एक लाजमी इदारा है। अगर माशरे की माशी और इखलाकी सतह अच्छी नहीं है तो जमहूरियत भी अच्छी नहीं होगी।